हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा रेसिपी है एक डेजर्ट रेसिपी, उसका नाम है मैंगो शिमोई पायस या शिमोई मैंगो पायस। आपको जो ठीक लगे आप वही बोल सकते हैं। ये एक न्यू रेसिपी है, आज मैं ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही हेल्दी है और बच्चों को आप ज़रूर खिला सकते हैं। ये डेजर्ट में मैंने सारे टाइप का विटामिन्स ऐड की हूँ, जैसे कि आपका मिल्क, फ्रूट में आपका मैंगो और ड्राई फ्रूट्स। अभी तो मैंगो की टाइम है, तो आप मैंगो लाकर आप ये रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, तो चलिए बनाते हैं आज का रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर बिठा दिया। कढ़ाई ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं, वो कि रिफाइंड तेल। ये घी ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें सिमई ऐड कर रही हूँ। सिमई को 5 मिनट तक इसको भूनना है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं चाहिए, थोड़ा सा फ्राई करना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए ऑलरेडी फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा वाटर। वाटर में इसको बॉयल करना है, तो इसीलिए मैं पहले से ही थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी। तो ये ऑलरेडी फ्राई हो चुका है, तो अभी मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ और उसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये ऑलरेडी बॉयल हो चुका है और पानी भी कम हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, उसको रहने दीजिए। अभी मैं इसमें बॉयल किया हुआ मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये करीब 250-300 ग्राम का करीब मिल्क है और अभी इसको हमको बॉयल करने के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए सिमोई और मिल्क अच्छे से बॉयल हो रहा है और ये सिमोई भी अच्छे से नरम भी हो चुका है। अभी आप इसमें स्वाद अनुसार शुगर ऐड कीजिए, आपको जितना मीठा चाहिए। 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स करें। ज़्यादा टाइम तक हमको ये सिमोई पायस को बॉईल नहीं करना है, इतना ही थिक रखना है, नहीं तो ये टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटा हुआ काजू। आप चाहें तो पिस्ता, आलमंड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ काजू ही ऐड कर रही हूँ और ये सिमोई ऑलरेडी रेडी है। अभी मैं इसको कूल होने के लिए फ़ैन के नीचे रख दूँगी। तो ये देखिए मेरा सिमोई अच्छे से कूल डाउन हो चुका है। मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था, फ़ैन के नीचे ही रख दिया था 45 मिनट्स के लिए। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी आपका 1 मीडियम साइज़ मैंगो प्यूरी। मैंगो को आप छोटा छोटा पीस कट करके, आप इसका ग्राइंडिंग करके आप इसका प्यूरी बना सकते हैं। तो इसको मैंने सिमोई के अंदर डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स करें। धीरे धीरे करके आपको मैंगो को मिक्स करना है सिमोई के साथ। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग प्लीज़ ये रेसिपी को ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और अच्छे से इसको मिक्स करें, जैसे कि मैंगो सिमोई के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मैंने फ्रूट्स यानी कि मैंगो ऐड की हूँ, इसीलिए आपको ये सिमई को एक दिन में ही ख़त्म करना है। आप नेक्स्ट डे इसको खा नहीं सकते हैं क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिल्क है और मिल्क के साथ हमने मैंगो ऐड किया है, मैंगो प्यूरी, इसलिए आपको एक दिन में ही इसको ख़त्म करना होगा। वही एक चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने सिमोई मैंगो पायस सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ काजू, आलमंड, पिस्ता डेकोरेट के लिए आप सजा सकते हैं। तो आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। राइट साइड पे जो बेल बटन है उसका दबाएं, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो पहले आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।